नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही स्पेशल मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। थोड़ा टाइम इसमें लगेगा पर ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी। तो आज हम बना रहे हैं बॉम्बे कराची हलवा, इसे रबड़ वाली मिठाई भी कहते हैं, रबड़ बर्फी या फिर कॉर्नफ्लोर हलवा भी कहते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है, बस थोड़ी सी टाइम टेकिंग है और बहुत कम सामान से ये बन जाती है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, यहाँ मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई ली है, इसमें हम 2 कटोरी चीनी डालेंगे। तो आप सभी चीज़ में सेम कटोरी यूज़ करें और सेम कटोरी से ही हम 1 कटोरी यहाँ पानी डालेंगे और गैस ऑन कर देंगे और इसे हम थोड़ा मिला देंगे और इसे बॉईल होने देंगे। तो आप ध्यान रखें, कटोरी हमें सेम यूज़ लेनी है। अब सेम कटोरी से हम यहाँ 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर लेंगे और एक दूसरे बर्तन में इसे हम डालेंगे। तो 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें हम अब 3 कटोरी पानी डालेंगे। तो 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर है और उसमें 3 कटोरी पानी है और 2 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी है। या आप कप से मेजरमेंट ले लें पर आप नाप यही रखें। और इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। तो एक बहुत पतला सा बैटर रेडी हो जाएगा ये हमारा। तो इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। अब देखिए, चीनी हमारी बॉईल हो गई है, तो कोई चाशनी नहीं बनानी हमें, इसे बस बॉईल करना है। और ये देखिए, मैंने सिट्रिक एसिड लिया है, बहुत थोड़ा सा है, ये 1/4 टीस्पून होगा, बस इतना सा हमें डालना है। और इसे चीनी में डालकर हम चाशनी में और अच्छे से मिला लेंगे। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर का पानी बनाया था उसे अच्छे से मिला लेंगे, कॉर्नफ्लोर उसमें नीचे जम जाता है। और इस चीनी के पानी में हम इसे डाल देंगे। और यहाँ ध्यान रखिए, अब आपको गैस बिल्कुल लो की तरफ रखनी है, तेज नहीं करनी है गैस को, बिल्कुल भी फ्लेम को। और अब इसे हमें मिलाते रहना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे 10-15 मिनट में इसमें थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ बनने लगेंगी। तो आप बस इस तरह से चलाते रहिए और थोड़ी देर में बहुत स्मूथ सा हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसे, 10-15 मिनट तक आपको इसी तरह से इसे चलाना है। तो आप लगातार बीच बीच में चलाते रहें, इसे आप छोड़े ना ज़्यादा। और अब देखिए, 15-20 मिनट के बाद इसमें हमें 1 चम्मच घी डालना है और इसे हमें फिर से इसी तरह से चलाना है। तो आप बस यही प्रोसेस हमें लगातार इसमें करना है, इसे चलाना है और घी डालना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट दिखने ना लग जाए। और थोड़ी थोड़ी देर में घी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप गैस का ध्यान रखें कि फ्लेम को मीडियम से लो की तरफ ही रखना है, कोशिश करें बस लो ही रखें, हाई बिल्कुल नहीं करना है फ्लेम को। अब देखिए, घी फिर से एब्जॉर्ब हो गया है, अब इसमें हमें फिर से 1 चम्मच घी डालना है। तो इसमें 10-15 मिनट में आप 1-1 चम्मच घी इसमें डालते रहिए और इसे हमें फिर से इस तरह से चलाते रहना है साइड से छुड़ाते हुए। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी बर्फी बनेगी है। टाइम ज़रूर लगेगा इसमें पर बहुत आपको इस मेहनत का फल मिलेगा, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी। 1 चम्मच घी इसमें और डालेंगे हम। ये घी हमें 10 से 15 मिनट के बीच में डालना है। तो टोटल हमें इस बर्फी को बनाने में 1 से 1.5 घंटा कम से कम लगेगा ही लगेगा। अब देखिए, ट्रांसपेरेंट होने लग गई है और ये घी छोड़ देगी थोड़ी देर में। तो लगभग इसमें हमें 4 से 5 चम्मच घी की ज़रूरत पड़ेगी, बस ज़्यादा नहीं। तो देखिए, अब घी छोड़ना शुरू कर दिया है इसने और ये ट्रांसपेरेंट होने लग गई है। इसका मतलब है अब ये कुक हो रही है और बहुत जल्दी अब ये बर्फ़ी रेडी हो जाएगी। देखिए, इस तरह से रबड़ की तरह ये होने लग जाएगा, आप उठा के देखेंगे। अब इसमें हम इलायची का पाउडर डालेंगे और फूड कलर डालेंगे। मैंने यहाँ रेड कलर लिया है, आप चाहे तो ग्रीन, ऑरेंज, कोई भी कलर ले सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। अब लास्ट में जब ये घी छोड़ चुके हैं, हम कलर डाल चुके हैं, आप फ्लेम को थोड़ी देर के लिए हाई कर दें और इसमें हम काजू डालेंगे। काजू का टेस्ट इसमें सबसे अच्छा आता है और इतना गर्म है ये, तो काजू इसमें रोस्ट हो जाएगा। तो अब इसे अच्छे से मिलाएं हम। और देखिए, एक पैन लेना है हमें इस तरह का, एक कोई भी केक वाला बर्तन या कुछ भी, उसमें काजू डालेंगे थोड़ा सा और सारे बैटर को हम उसमें डाल देंगे और इस तरह से सेट कर देंगे। और इसे 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे, या जब तक ये ठंडा होता है, फ्रिज में ना रखें इसे, हम भारी ठंडा होने देंगे। और इस तरह से चारों तरफ से देखिए, चाकू की हेल्प से इसे हम छुड़ा लेंगे और इसे हम डीमोल्ड करेंगे अब। तो देखिए, कितनी बढ़िया हमारी ये बर्फी रेडी हुई है, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है ये, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। मैंने नीचे बटर पेपर भी लगा दिया था। और अभी इसे अब कट कर लेंगे हम। तो जैसे चाहे वैसे पीसेस में कट कर लें आप, ऊपर से इसमें आप और कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मुझे इसमें सिर्फ काजू पसंद है, मैंने बस वही डाला। तो देखिए, कितनी बढ़िया ये बर्फी बन के तैयार हुई है, इसका स्पंज आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनी है।